कभी प्यार मोहब्बत की कल्पना भी नहीं कर सकता। ब्रह्मांड में चंद्रमा का जो भी महत्व हो, लेकिन जमीन पर चांद की परिकल्पना के बगैर प्रेमी का प्रेम अधूरा है और माँ की ममता भी आधी है। ये साबित भी हुआ है प्रयागराज के संगीत समिति के मुक्तांगन में। दरअसल आज कोरस संस्था ने चांद की थीम पर एक संगीत संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया, आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं। नाम से आयोजित इस संगीत संध्या में सीनियर सिटीजन के अलावा युवाओं ने भी चांद पर एक से बढ़कर एक गाने गाए। हर्ष टंडन ने जहां प्रेमिका को रिझाने वाला गाना सुनाया, तो वहीं संस्था के युवा सदस्य फैसल आफक अंसारी ने भी प्रेमिका के लिए चांद क्या ओहदा रखता है इस पर गाने गाए। इस तरह की संगीत संध्या आयोजित करती है, लेकिन इस बार ये कार्यक्रम चंद्रयान 3 की सफलता में इसरो को समर्पित किया गया था। इसलिए माँ के लिए चांद और प्रेमी प्रेमिका के लिए चांद का क्या क्या महत्व है, इसको गाने के साथ विजुलाइज करके भी समझाया गया। इस बार चंद्रयान 3 की सफलता सबके मन में है, जिसके स्वरूप हम लोगों ने चांद पर यह प्रोग्राम कंसीव करा है। इसके दो बहुत ही मुख्य आकर्षण है। पहला यह है कि चांद कवियों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। गाने तो सभी होते हैं, मगर कवियों ने चांद की जो बहुमुखी प्रतिभा को निकाला है, उसको हम लोगों ने समझा है। जैसे माँ के लिए बेटा चांद स्वरूप है, कहते हैं बचपन से ही चांद जैसा बेटा हुआ है। अब चांद आखिर शब्द है क्या? खूबसूरती का प्रतीक है। भाई के लिए, बहन के लिए भाई जो है एक चांद है। बाकी जो है देखा जाए, जब बड़ा होता है बच्चा, तो महबूबा की खूबसूरती में उसको चांद की खूबसूरती दिखती है। और तो और कवियों ने प्राधिकारी का रूप भी दिया है, गवाह है चांद तारे गवाह है, यानी कि एक प्राधिकारी एक अथॉरिटी है। इस तरह के कई सारे रूपों के हम लोगों ने एक मूड्स तैयार किए हैं, 8-9 मूड्स तैयार किए हैं, जिसपे हम लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम को पिरोया है। दूसरी चीज़ सबसे खास है कि चंद्रयान 3 की सफलता और लैंडिंग को हम लोगों ने इसमें क्लब करा है। इंट्रोडक्टरी वीडियो शुरू का और एंड वीडियो बहुत ही खास है। विज्ञान ने जो है, वैज्ञानिकों ने अपने विज्ञान से जो हमको चंद्रमा पे लेके गए, आज हम लोग संगीत की तरह ही चंद्रमा पे आपको फिर दोबारा लैंड कराएंगे। और बहुत ही देशभक्ति की